Hello everybody, today we'll be discussing about the endocrine system. आज की क्लास के अंदर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन पूरा के पूरा पढ़ने वाले हैं. इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करेंगे. देखिए बॉडी के अंदर फ्रेंड्स, जो बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है वो दो सिस्टम से होता है. वन इज थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज थ्रू द एंडोक्राइन सिस्टम, है ना. यूं मैं कहूँगा, अभी तो खैर इस चैप्टर के अंदर मैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ, तो नेचुरली कि मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँगा. लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन दो तरीके का होता है, राइट. एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी के अंदर, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, राइट. इस चैप्टर के अंदर अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केमिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर करेंगे बात, है ना. आपके बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो तो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है, राइट. और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर थ्रू हो रहा है. केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हार्मोन्स को पढ़ते हैं. वी डील विथ हार्मोन्स, हम हार्मोन्स को यहाँ पर पढ़ेंगे. सो आज की क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम का एक जनरल इंट्रोडक्शन पूरा आएगा, तो आप कोशिश करें पूरे इस टॉपिक को अच्छे से समझने की. सबसे पहले स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना. स्टडी ऑफ दिस ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज डन अंडर द ब्रांच एंडोक्राइनोलॉजी. एक ब्रांच होती है एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें कि हम पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग पढ़ते हैं. मतलब पूरे हार्मोनल सिस्टम को पढ़ने के लिए एक ब्रांच होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी. एंड एंडोक्राइनोलॉजी की बात हो रही है तो यू मस्ट एटलीस्ट नो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, राइट. हु इज फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? तो फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी. वापिस से बोल रहा हूँ, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज डन अंडर द ब्रांच नॉन एज एंडोक्राइनोलॉजी एंड फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज थॉमस एडिसन. इस एंडोक्राइन सिस्टम में हम अपना पूरा जो कंसेंट्रेशन है, पूरा जो फोकस है, राइट, वो हम लगाएंगे किसके ऊपर, हार्मोन्स के ऊपर, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो ग्लैंड्स होती है, राइट, वो थ्री टाइप्स की होती है. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और थर्ड जो ग्लैंड्स होती है वो कौन सी होती है, मिक्स्ड ग्लैंड्स होती है. मतलब विच आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है. एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज रिमेंबर दे हैव डक्ट्स. इनके अंदर डक्ट्स होती है, राइट. एंड दे पोर दियर सिक्रीशन आउटसाइड ब्लड. दे पोर दियर सिक्रीशन आउटसाइड ब्लड. तो दे हैव डक्ट्स एंड दे पोर दियर सिक्रीशन आउटसाइड ब्लड.
तो दे हैव डक्ट्स एंड दे पोर दियर सेक्रेशन आउटसाइड ब्लड. ठीक है, तो दे हैव डक्ट्स एंड दे पोर दियर सेक्रेशन आउटसाइड द ब्लड. एग्जाम्पल, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसके एग्जाम्पल्स दे देते हैं. एक्सोक्राइन, राइट, एक्सोक्राइन जो है ग्लैंड्स, उनके हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स. क्योंकि पढ़ तो आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स रहे हो, लेकिन एटलीस्ट ये तो मालूम होना चाहिए ना कि मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है. सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, या स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, या ऑयल ग्लैंड्स. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती है? सलाइवा. नाउ सलाइवा इज सेक्रेटेड आउटसाइड ब्लड. स्वेट ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी? स्वेट, विच इज ऑल्सो रिलीज आउटसाइड ब्लड. और ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड्स क्या रिलीज करेगी? ऑयल. तो ये सब सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड के बाहर सेक्रेट होते हैं, डेट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. सेकेंड आ जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके अंदर क्या होती है? दे आर डक्टलेस. दे आर डक्टलेस. ये कैसे होती है? डक्टलेस होती है. दे पोर दियर सेक्रीशन, दे पोर दियर सेक्रीशन, दे पोर दियर सेक्रीशन इन साइड ब्लड. दे पोर दियर सेक्रीशन इन ब्लड. ये अपना सेक्रीशन कहाँ डाल देती है? ब्लड के अंदर डाल देती है. एंड दे आर डक्टलेस. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड. एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना, आई एम कोटिंग सम एग्जाम्पल्स हियर. पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑलराइट, पीनियल ग्लैंड, राइट, थाइमस ग्लैंड, ऑलराइट, पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. ये एक्चुअली प्रॉपर सब एंडोक्राइन ग्लैंड से. तो कुछ एग्जांपल्स यहां पर कोट कर रखे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. ये सब प्रॉपर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि डक्टलेस होती है. एंड दे पोर देयर सेक्रेशन इन ब्लड. एक और कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी, और वो होती है मिक्स्ड ग्लैंड्स. मिक्स्ड ग्लैंड्स क्या होती है? दे आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. इन ग्लैंड्स का एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, एज वेल एज एंडोक्राइन. याद रखो, इन ग्लैंड्स का कुछ पार्ट, इन ग्लैंड्स का कुछ पार्ट जो होता है वो एक्सोक्राइन होता है, और कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एंडोक्राइन. से फॉर, मैं यहां पर दो एग्जांपल कोट करूंगा, एक तो पेनक्रियास और दूसरा एग्जांपल एक और कोट करूंगा, गोनेट्स. गोनेट्स समझते हो? टेस्टीज एंड ओवरीज, टेस्टीज एंड ओवरीज, टेस्टीज और ओवरीज. गोनेट्स भी जो हैं वो कैसे हैं? डेट आर टेस्टीज एंड ओवरीज भी मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं. तो पेनक्रियास और गोनेट्स जो हैं वो दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके? मिक्स्ड ग्लैंड्स के. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तो ये एग्जाम्पल है ही, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के भी तुम्हारे सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं. ठीक है, अच्छा, अब याद रखो कि पिट्यूटरी, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड का मेड्यूला पार्ट, एड्रिनल मेड्यूला. ठीक है, इनका जो, इन तीनों ग्लैंड्स का ओरिजिन जो हुआ है एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल मेड्यूला का, पीनियल ग्लैंड का और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से हुआ है. ठीक है, इसी तरीके से गोनेट्स का, गोनेट्स का और एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स पार्ट का जो ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन मीजोडर्म से हुआ है.
ओरिजिन किससे हुआ है? मीजोडर्म से हुआ है, और थाइमस ग्लैंड थायराइड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास। क्या क्या कहा मैंने? थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड और पेनक्रियास। इन सब ग्लैंड्स का जो ओरिजिन हुआ है वो एंडोडर्म से हुआ है। वो किससे हुआ है? एंडोडर्म से हुआ है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर ऑलवेज, कि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होता है दोस्तों? हार्मोन्स आर रिलीज। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है? हार्मोन्स। और हार्मोन्स का जो मीनिंग होता है, हार्मोन का जो मीनिंग होता है, इस वर्ड का मीनिंग होता है, वो होता है टू एक्साइट। हार्मोन वर्ड का मतलब क्या होता है? टू एक्साइट, ठीक है। और हार्मोन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, है ना। हार्मोन्स जो हैं वो एक तरीके के क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं, राइट। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, पहली बात। दूसरा, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ये हार्मोन की डेफिनेशन है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स मतलब दे आर नॉट टेकन विथ फूड। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, राइट, दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स हैं। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स मतलब दे कैन नॉट बी टेकन विथ फूड, दे आर सिंथेसाइज इन द बॉडी। तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर्स एंड आर सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट्स। हार्मोन्स का जो मीनिंग होता है टू एक्साइट। हार्मोन्स का मीनिंग क्या है? हार्मोन वर्ड का मीनिंग होता है टू एक्साइट। हार्मोन वर्ड का मीनिंग होता है एक्साइट करने वाला सब्सटेंस। ऑलराइट, अच्छा, हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, याद रखो, हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोकॉइड्स। हार्मोन्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑटोकॉइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था? तो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। फर्स्ट हार्मोन सिक्रेटेड वाज सिक्रेटिन बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन विच वाज रिलीज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। साइंटिस्ट का नेम है बेलिस एंड स्टार्लिंग, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन, इट वाज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और डिस्कवर्ड बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग। नाउ हार्मोन, राइट, हार्मोन टर्म गिवन बाय बाय
स्टार्लिंग, हार्मोन टर्म किसने दिया? स्टार्लिंग ने दिया, हार्मोन टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखो कि देर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन, याद रखो देर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन, देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन, सिमिलैरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है। पहली सिमिलरिटी क्या है, फर्स्ट सिमिलरिटी क्या है, बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, नॉट टेकन विथ फूड, नॉट टेकन विथ फूड। इसको फूड के साथ में थोड़ी लेते हैं, ये तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, इनको तो बॉडी खुद बनाती है, फूड के साथ में थोड़ी लेते हैं। तो ये सिमिलरिटी है एंजाइम और हार्मोन के बीच में, बोथ आर वेरी मच स्पेसिफिक, एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, एक एंजाइम का काम वही एंजाइम कर सकता है, एक हार्मोन का काम वही हार्मोन कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो बोथ आर हाईली स्पेसिफिक, बोथ आर हाईली स्पेसिफिक, बोथ आर हाईली स्पेसिफिक। थर्ड, बोथ आर डिफ्यूजिबल, मतलब दे कैन बी डिफ्यूज्ड, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, बोथ आर डिफ्यूजिबल, बोथ आर सोल्यूबल, ठीक है, बोथ आर सोल्यूबल, बोथ आर डिफ्यूजिबल, बोथ आर हाईली स्पेसिफिक एंड बोथ आर सिंथेसाइज इन बॉडी, नॉट टेकन विथ फूड, ठीक है। ये इनके करेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब एंजाइम्स और हार्मोन्स के बीच में ये फोर सिमिलरिटीज है, ठीक है। नाउ डिसिमिलरिटीज बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, डिसिमिलरिटीज बिटवीन, डिसिमिलरिटीज, डिसिमिलरिटीज बिटवीन, डिसिमिलरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम के बीच में डिसिमिलरिटी क्या क्या है, व्हाट आर द डिसिमिलरिटीज। तो देखो, एंजाइम हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो हाई होता है, जबकि हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। क्या कहा है मैंने, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, पहला डिफरेंस हो गया। नाउ एंजाइम्स आर कैटलिस्ट एंड आर रीयूजेबल, वाइल हार्मोन्स आर नॉट रीयूज्ड, है ना, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर एक्शन, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर एक्शन, एंजाइम्स आर कैटलिस्ट एंड आर रीयूजेबल, वाइल हार्मोन्स आर नॉट रीयूज्ड, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर एक्शन, ऑलराइट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट, हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, लाइक पेप्टाइड
स्टीरोइड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बोथ आर सिंथेसाइज इन बॉडी नॉट टेकन विथ फूड, ये तो सिमिलिटी है। बोथ आर हाईली स्पेसिफिक, बोथ आर डिफ्यूजिबल, बोथ आर सोल्यूबल। एक पॉइंट और लिख सकते हो, बोथ आर सिक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटी, बोथ आर सिक्रेटेड इन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, जबकि यहां पर ये कुछ पॉइंट्स है और एक और, एंजाइम्स आर यूज्ड लोकली आउटसाइड ब्लड व्हाइल हार्मोन्स आर रिलीज्ड, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन ब्लड। तो देखो ये फोर डिसिमिलिटीज है, ये फोर क्या है, डिसिमिलिटीज है। एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट व्हाइल हार्मोन्स हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। एंजाइम्स आर कैटलिस्ट एंड आर रीयूजेबल, मतलब आफ्टर एक्शन दे कैन बी रीयूज्ड। हार्मोन्स आर नॉट रीयूज्ड, दे डिस्ट्रॉय आफ्टर एक्शन, आफ्टर मेटाबॉलिज्म। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट हार्मोन्स आर ऑफ डिफरेंट नेचर, दे मे बी पेप्टाइड, स्टीरोइड, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंजाइम्स आर यूज्ड लोकली आउटसाइड द ब्लड व्हाइल हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन द ब्लड, वाइल हार्मोन्स आर रिलीज इन द ब्लड। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्मोन्स, तो आपको ये मालूम होने चाहिए कि देर आर फ्यू, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कैसे होते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन होते हैं, सिनर्जिस्टिक हार्मोन का मतलब क्या होता है, those hormones which work together are synergistic hormone, those hormones which work together are synergistic hormone। जैसे कि example ले लेते हैं, FSH and LH represent a very good example of synergistic hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone। ये दोनों हार्मोन जब भी अपना एक्शन करेंगे तो साथ साथ अपना एक्शन करेंगे। कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन। नाउ व्हाट आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, हार्मोन्स विच एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं, जैसे कि MSH एंड मेलेटोनिन हार्मोन, MSH एंड मेलेटोनिन हार्मोन। MSH बोले तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन के कलर को डार्क करता है, मेलेटोनिन हार्मोन स्किन के पिगमेंटेशन को लाइट करता है, तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। इसी तरीके से आपने सुना होगा कभी ग्लूकागोन एंड इंसुलिन हार्मोन। नाउ ग्लूकागोन शुगर के लेवल को बढ़ा देता है, इंसुलिन शुगर के लेवल को कम कर देता है, बढ़ी हुई शुगर के लेवल को कम कर देता है। थर्ड वन और कौन सा कॉम्बिनेशन है, TCT एंड PTH हार्मोन। TCT बोले तो थायरोकैल्सिटोनिन, अगेन आई एम रिपीटिंग थायरोकैल्सिटोनिन, और PTH बोले तो पैराथायरॉइड हार्मोन। TCT जो होता है वो यूरिन के साथ कैल्शियम को बाहर निकाल देता है और कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर, मतलब कैल्शियम को यूरिन के साथ बाहर निकाल देता है। ये PTH हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ा देता है, क्यों, क्योंकि PTH हार्मोन जो होता है वो कैल्शियम को इंटेस्टाइन से और नेफ्रोन के पार्ट से एब्जॉर्ब करता है, तो ये तो शुगर के लेवल को बढ़ा देगा और फॉस्फेट को बाहर निकालेगा, और ये PTH हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा और फॉस्फेट को बाहर निकालेगा। और TCT हार्मोन जो है वो
कैल्शियम को यूरिन के साथ में, ये कैल्शियम को यूरिन के साथ में बाहर निकाल देता है, ये एब्जॉर्ब करता है यूरिन के साथ, कैल्शियम को बाहर नहीं निकालता है, राइट। इसी तरीके से ए एन एफ एंड रास, ए एन एफ बोले तो एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, और रास बोले तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करता है, ए एन एफ जो कि हार्ट से सिक्रीट होता है, ये ब्लड प्रेशर को लो करता है, ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है, ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है, ये लो करता है, राइट। तो क्या हम आगे चलकर डिटेल्स में पढ़ेंगे इन हार्मोन्स को, MSH हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन के कलर को डार्क कर रहा है, मेलेटोनिन हार्मोन स्किन के कलर को लाइट कर रहा है, दोनों अपोजिट वर्क कर रहे हैं, ग्लूकागोन शुगर के लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन शुगर के लेवल को कम कर रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम को यूरिन से बाहर निकाल रहा है और बॉडी के अंदर कम कर रहा है, PTH हार्मोन पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम को नेफ्रोन से और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा रहा है, राइट, और ज़्यादा कर रहा है वो, ए एन एफ ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो वी कैन से डेट दीज हार्मोन्स आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। फिर कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं वोलेटाइल हार्मोन्स होते हैं, वोलेटाइल हार्मोन्स होते हैं एंड दे आर सिक्रीटेड आउटसाइड बॉडी, सिक्रीटेड आउटसाइड बॉडी, और इनको हम क्या कह देते हैं, फेरामोन्स कह देते हैं। जब हम लोग डिटेल्स में एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम फेरामोन्स वगैरह को भी आपको पढ़ाएंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, है ना, जैसे कैट के अंदर एक फेरामिन होता है सिविटोन, है ना, हनी बी के अंदर गैरेंडियोल होता है, ये क्या है, सब फेरामोन से बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं, है ना। इसी तरीके से सिल्क मॉथ के अंदर बॉम्बिकोल होता है, तो ये सब बॉम्बिकोल सीवीटोन गैरेंडियोल ये सब फेरामोन्स होते हैं, दीज ऑल आर फेरामोन्स। एंड हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के अंदर, हार्मोन्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने हार्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है, राइट, हार्मोन्स का हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। आने वाले दिनों के अंदर हम इस चैप्टर की जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह है और जितने भी पार्ट्स हैं उनको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते रहिए, और YouTube के ऊपर मेरे बहुत सारे और भी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।